तालाब के अगर पानी को देखें अगर, तो उसमें बहुत से बैक्टीरिया और बहुत सारी गंदगी के साथ साथ और अलग अलग तरह के जीवाणु भी उपस्थित होते हैं। चलिए ऐसे ही हम आज तालाब के पानी को निकाल कर देखते हैं। कोई एक चीज़ के बारे में आपको मैं आज बताने वाली हूँ, वो चीज़ क्या है देखने के लिए सबसे पहले देखिए, हमने लिया तालाब का पानी। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर हमें दिखाई दिया एक प्रोटोजोआ अमीबा। सबसे पहले इसका आकार तो अनियमित होता ही है। इसमें हम देखें तो दो तरह के इसमें झिल्लियाँ पाई जाती हैं। बाहर जो होती है झिल्ली, बाहर के आवरण को हम बोलते हैं एक्टोप्लाज्म, जो कि बहुत चमकदार, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी और कुछ कांच जैसा होता है। गोंद जैसी गाढ़ी इस परत को हम प्लाज्मा जेल भी कहते हैं। इसके बाद अंदर की परत को हम आवरण को कहते हैं प्लाज्मा सोल यानी कि एंडोप्लाज्म। यह अपेक्षाकृत कम गाढ़ा चिपचिपा द्रव होता है। इसके अंदर ही होते हैं बहुत सारे छोटे छोटे संरचनाएं, जैसे कि एक होता है बड़ा सा केंद्रक, साथ ही होती हैं छोटी छोटी वाटर वैक्यूल्स और फूड वैक्यूल्स। फूड वैक्यूल्स यानी कि खाद धानियाँ जिसमें भोजन का पाचन होता है। वाटर वैक्यूल्स के अलावा इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल यानी कि संकुचित धानियाँ भी होती हैं। ये अमीबा के शरीर में जल की मात्रा को नियंत्रित करती हैं। साथ ही होता है यूराइड, जिसमें होते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यानी कि उत्सर्जी पदार्थ, जो समय समय पर बाहर उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। और ये उंगली जैसे दिखने वाले उभार कहलाते हैं प्रवर्त यानी कि स्यूडोपोडिया, जिनकी सहायता से ये गति करते हैं और अपने शिकार को पकड़ते हैं। अमीबा के प्रवर्त यानी स्यूडोपोडिया बनते हैं और विलुप्त हो जाते हैं। इनकी सहायता से वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करते हैं, जिसे हम लोकोमोशन या पादाब गति भी कहते हैं। भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण। इसको महसूस हुआ कि ये आसपास कोई शिकार है, तो इसके जो प्रवर्ध होते हैं इनमें इस तरह से ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। और ये धीरे धीरे देखिए इस तरह से शिकार की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, और इसके प्रवर्धों में इस तरह से देखिए ये बढ़ते जाएंगे, और उसके चारों ओर इसके ये देख रहे हैं कप जिनुमा संरचना बन जाती है, और ये प्रवर्धों में ग्रोथ होती रहती है। देखिए इस तरह से ये और धीरे धीरे आगे बढ़े, और बढ़ते बढ़ते ये एक दूसरे से फ्यूज़ हो जाते हैं, इन्हें आपस में पूरी तरह से मिल जाते हैं। और ये देखिए इसके अंदर शिकार को चारों ओर से घेर लेते हैं, और इसके चारों ओर ये एक धानी फूड वैक्यूल तैयार हो जाती है। और इस फूड वैक्यूल में इसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ बहुत सारे इसमें पाचक रस स्त्रावित होंगे और इसका पूर्णतया पाचन हो जाएगा। पाचन के बाद अब ये अवशेष के रूप में, अब इसे हमें शरीर से बाहर भी तो निकालना है, तो यहाँ पर ठीक इसी तरह से जैसे ये जुड़े थे ये आगे बढ़ेगा, और ये इसके प्रवर्ध धीरे धीरे इस तरह से देखिए ये खुल जाते हैं, और देखिए ये आगे बढ़ जाता है धीरे धीरे, और ये इस तरह से यहाँ से ये शिकार इसका रह जाता है, और ये इस तरह से देखिए आगे बढ़ने लगता है। तो इस तरह से भोजन को ये अंतर्ग्रहण किया जाता है और अवशेष को निष्कासित कर दिया जाता है। एक बार पुनः समझ लेते हैं, जैसे ही कोई शिकार पास में होता है इसके प्रवर्धों में वृद्धि शुरू हो जाती है और ये शिकार को पकड़ लेता है। फिर शिकार एक छोटी सी धानी में बंद हो जाता है। अब पाचक रसों का स्त्रावण शुरू हो जाता है। पाचन के पश्चात बचे हुए अवशेष का परित्याग कर दिया जाता है। यह पूरी प्रक्रिया फैगोसाइटोसिस कहलाती है। अमीबा में द्विविखंडन। सबसे पहले इसके आकार में कुछ ये गोलाकार सा होने लगता है, यानी इसके सारे प्रवर्ध संकुचित होने लगते हैं और इसकी आकृति कुछ गोलाकार हो जाती है। फिर इसके बाद इसमें धीरे धीरे संकुचन प्रारंभ होता है, यानी इसके का जो केंद्रक है, इसका केंद्रक जो है, इसके बाद अब ये धीरे धीरे इसमें खिंचाव होगा, और ये एक केंद्रक से खिंचाव होकर बन जाएंगे इसमें दो केंद्रक।
अब जब दो केंद्रक बन जाते हैं तो ये इस तरह इसके द्रव में भी खिंचाव होने लगता है और ये खिंचाव बढ़ता जाता है धीरे धीरे। देखिए धीरे धीरे बढ़ रहा है, होते होते ये देखिए ये दिख रहा है आपको, ये धीरे 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 और इस तरह से ये थोड़ी देर बाद दो भागों में बढ़ जाता है। तो अगर हम देखें अब, तो जहाँ हमारे पास पहले एक अमीबा था, अब हमारे पास छोटे छोटे दो डॉटर अमीबा यानी उसके संतति। पुनः समझ लेते हैं, पहले इसके आकार में कुछ वृद्धि होती है, फिर इसका केंद्रक बढ़ जाता है दो भागों में, फिर एक जनक कोशिका से बन जाती हैं दो पुत्री कोशिकाएं, यानी दो डॉटर सेल्स। यह प्रक्रिया बाइनरी फिशन भी कहलाती है। थैंक